सुनो, मैंने कल अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा हूँ। कल? हाँ पार्टी? हाँ दोस्तों के साथ? हाँ। और मेरा क्या, मैं घर पर बैठी रहूं? और मुझे समझ नहीं आता ये रोज रोज तुम्हारे नए दोस्त आते कहाँ से हैं। नहीं नहीं, तुम जाओ, तुम पार्टी को जाओ, खाओ पियो ऐश करो, मेरा क्या। हाँ अरे ये होती कौन है जिसकी मैं परमिशन लूं पार्टी में जाने के लिए? अभी आई है ये, और मेरे दोस्त तो पहले से है, मेरे यार है, मैं तो जाऊंगा पार्टी में। क्या हुआ जान, परेशान क्यों हो? देखो ना डार्लिंग, ये मेरे दोस्त भी ना। दोस्तों का क्या? अरे तुम्हें वो सुरेश पता है ना? हाँ। कल उसकी बर्थडे पार्टी है और उसने कहा है तुम्हें आना ही पड़ेगा। अभी देखो सुबह ऑफिस जाऊंगा, इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसके बाद दो चार क्लाइंट्स को और मिलना है मुझे, फिर शाम को घर पे आऊंगा थका हारा, फिर कहाँ जाऊंगा पार्टी के लिए, और उसमें फिर डांस रहेगा, शराब रहेगी, हंगामा रहेगा, और देखो मैं तुम्हारे बगैर ना पार्टी जरा भी एंजॉय नहीं कर सकता, मैं नहीं जाऊंगा पार्टी में। जान तुम्हें जाना चाहिए, देखो हफ्ते में एक ही दिन तो तुम्हें छुट्टी मिलती है, वो भी तुम घर पर बिताते हो मेरे साथ, दोस्तों को कहाँ रोज मिलते हो। देखो तुम कल पार्टी में जा रहे हो, बस दैट्स फाइनल। हे सागर, हाय पंकज, कैसे है बड़े? क्या सिगरेट है क्या तेरे पास? कम कम यो एक दिन चैन से जीने नहीं देगी ये डायन। घर पे रहो तो किटकिट, बाहर आओ तो फोन कॉल्स। आज एक दिन क्या दोस्त की पार्टी में आ गया, फोन कॉल शुरू। ऐसा लगता है कि फोन में घुस के इसे मारूं। हेलो। क्या हुआ जान? कुछ नहीं डार्लिंग, बोर हो गया हूँ मैं। अरे पर तुम तो पार्टी में गए हो ना? हाँ पर तुम साथ नहीं हो ना, तो क्या एंजॉय करूँ? यहाँ तो सारे लोग शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मैं तो एक कोने में बैठा हूँ। देखो तुम कभी कभार ही पार्टी जाते हो, तो एंजॉय करो ना। नहीं यार लेकिन मजा नहीं आ रहा है। सुनो तुम हाँ? सोई तो नहीं ना? नहीं सोई नहीं। हाँ तो एक 15 मिनट में घर पे आ जाता हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। सुनो आज पार्टी में गए हो तो पार्टी एंजॉय करो बस। देखो कल छुट्टी है तो हम साथ में ही रहेंगे। एक काम करो, अभी मैं सो रही हूँ, तुम्हारे पास चाबी है ना, तो तुम आराम से आना। ओके जान, पार्टी एंजॉय करो। ठीक है, मेरा मूड तो नहीं है लेकिन तुम कहती हो तो रुक जाता हूँ। गुड बॉय। ओके ओके बाय बाय। हाय डार्लिंग। हाय जान। हाय कैसे हो? ठीक हूँ। आज का दिन कैसा था? हाँ थोड़ा हेक्टिक था बट ओके। तुम कुछ भूले तो नहीं आज? मैं हाँ सुबह मैं अपनी एक इम्पोर्टेंट फाइल भूल गया था, लेकिन कोई बात नहीं, उसके प्रिंटआउट ऑफिस में निकाल लिए मैंने। अच्छा हाँ? बस इतना ही और कुछ नहीं? नहीं और कुछ नहीं। और कुछ नहीं? नहीं कुछ नहीं। अरे बाबा कुछ नहीं, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। 10 साल हुए हमारी शादी को, लेकिन हर साल उस मनुष्य दिन को ये औरत बिना भूले मुझे याद दिलाती है। और आज इसकी वेडिंग एनिवर्सरी नहीं है तो क्या ये मुझे नहीं विश कर सकती थी? आखिर मैंने शादी क्यों की? मुझे पता था तुम्हारी यही रिएक्शन होगी, लेकिन तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? तुम्हारे लिए मैंने नेक्स्ट वीकेंड कहाँ प्लान किया है पता है? कहाँ?
तुम्हारी फेवरेट जगह लोनावला में। नेक्स्ट वीकेंड लोनावला सिर्फ तुम और मैं एंजॉय करेंगे। सच? सच। नेक्स्ट वीक का नेक्स्ट वीक में देखेंगे, अभी तो बला टली। तंग आ गई हूँ मैं इस घर के कामों से। सुबह जल्दी उठो, सबके लिए नाश्ता बनाओ, तुम्हारा डिब्बा बनाओ और तुम्हें ऑफिस में भेजो। बाद में बच्चे, उनको उठाओ, उन्हें नाश्ता खिलाओ पिलाओ, बाद में स्कूल भेजो। फिर मम्मी पापा, उनको उठाओ, उन्हें नाश्ता दवाइयाँ सब दो और उन्हें भी मंदिर भेजो। और उसके बाद भी चैन की नींद सोने नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि शांता बाई टाइम पे नहीं आती। तो फिर बर्तन मांजो, कपड़े धो और फिर शाम होती है। शाम को बच्चे स्कूल से आते हैं, उन्हें के लिए नाश्ता बनाओ। फिर तुम ऑफिस से आते हो, तुम्हारे लिए नाश्ता बनाओ। रात का खाना बनाओ, फिर से बर्तन मांजो, कपड़े धो। बस बस मैं पक गई हूँ इस घर के कामों से और तुमसे भी। देखा, पूरा दिन चपार 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 साली का गला दबा रहा नहीं। आई एम सॉरी डार्लिंग। देखो, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मैं प्रॉमिस करता हूं तुमसे, मैं सारे कामों में तुम्हारा हाथ बटाऊंगा। बस सच सच। जान तुम्हें बताए क्या, मेरी सहेली है ना रीटा, हाँ। उसने कल बड़े से सलून में जाकर फेशियल करवाया, बहुत महंगा वाला। क्या? कैसी चमक रही थी उसकी स्किन। सच? हाँ। और भक्ति, हाँ। उसने सलून में जाकर अपने बाल कलर करवाए, वॉयलेट कलर। वॉयलेट कलर, चमक रहे थे बाल। और ममता, पता है उसने, पता है ना, हाँ। उसने अपने नाखूनों को बहुत ही बढ़िया सा नेल आर्ट करवाया, सुंदर लग रहा था वो। मेरी सब सहेलियां और मैं, कसम से इसकी हर एक फ्रेंड इतनी सेक्सी लगती है ना, उसमें से एक भी अगर मुझे मिल जाए ना, तो इस डायन से छुटकारा मिल जाए। देखो डार्लिंग, मुझे पता है तुम्हारी हर एक फ्रेंड अपने फैशन पे बहुत सारा पैसा खर्च करती है, लेकिन तुम्हें इन सारी चीजों की कोई जरूरत नहीं है। हाँ? क्योंकि तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी है और वो ऐसे निखर आती है ना। सच कहता हूँ, तुम्हारी सारी फ्रेंड्स से ज्यादा तुम खूबसूरत लगती हो। सच? सच। अरे डार्लिंग, घर में इतना अंधेरा क्यों है? आ गए आप? हाँ। मैं दिख रही हूँ आपको? हाँ। हाँ? तुम्हें जरा सी भी अकल है? लाइट कट गई है इसीलिए अंधेरा है। कब कहा था मैंने जाकर लाइट बिल भर के आओ? कितने दिन हो गए लाइट बिल आया है, एक काम भी नहीं ढंग से कर पाते तुम। हाँ, अब बैठो अंधेरे में। एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकती है औरत? पूरा दिन घर पे तो बैठी रहती है और एमएससीबी का ऑफिस सामने तो है, खुद जाके बिल नहीं भर सकती? पूरा दिन एसी की हवा तो ये खाती है, मैं वहां गर्मियों में मरता हूँ, अब क्या क्या देखूं घर पे? इतना सा छोटा सा काम भी मैं ही करूं? डार्लिंग, तुम्हें लगता है ना मैं लाइट का बिल भरने के लिए भूल गया? हाँ। लेकिन ये मैंने जानबूझ के किया। क्यों? अच्छा बताओ, हमारी शादी को कितने साल हो गए? अब यही कुछ। देखो, ये भी तुम्हें याद नहीं है, मैं अपने पुराने दिन रिवाइज करना चाहता, अपने पुराने प्यार के लिए। आज मौका भी, अंधेरा, सिर्फ तुम और मैं, हम दोनों कैंडल लाइट डिनर करेंगे। सच? सच। अच्छा चलो ठीक है, तुम कल भरना बिल। ओके, पक्का डाले।
कल हमें पार्टी में जाना है, तुम्हें याद है ना? याद है डार्लिंग। तो लास्ट टाइम मैंने गोल्डन साड़ी पहनी थी, तो कल कौन सी पहनूं? ये पहनूं या ये पहनूं? रेड और ऑरेंज, कौन सी बताओ ना। कोई भी साड़ी पहन ले बदसूरत, लगेगी तू पुरानी डायनी। तुम पहले से इतनी खूबसूरत थी या वक्त ने किया कोई हंसी सितम? डार्लिंग तुम कोई भी कपड़े पहन लो, तुम लगोगी सुंदर ही। थैंक यू, तो मैं ये पहनूंगी। ये क्या है पूजा, आज फिर से खाने में नमक ज्यादा? तुम खाने में मेरी गलती निकाल रहे हो? अरे नहीं, जरा खुद की तरफ देखा है? हाँ, फूल फूल के पेट गुब्बारे की तरह हो गया है, और ये तुम्हारे बाल झड़ने लगे हैं, और तुम्हारे कपड़े पहनने का ये सेंस एकदम भंगार छपरी स्टाइल, और तुम्हारी ये लैंग्वेज हर सेंटेंस में गाली, और तुम्हारी सिगरेट और दारू वो तो कभी नहीं छूटेगी। तुम्हारी सारी बुरी आदतें अपने बेटे पे लग रही हैं, जरा भी समझ है? इतनी सारी गलतियां मुझे कब सुधारूंगा इन गलतियों को मैं? और अगर मैं इतनी गलतियां करता हूं तो ये औरत मेरे साथ रहती क्यों है? यस, कम ऑन, क्या कर रहा है यार, सेंचुरी होनी चाहिए आज तेरी। यस, मेरी फेवरेट सीरियल। टीवी खरीदा मैंने, केबल के पैसे भरता हूं मैं, और अपनी फेवरेट मैच भी नहीं देख सकता हूं। तो सानी का गला ही दबा दो। अरे डार्लिंग, वो कौन सी एक्ट्रेस है जो तुम्हें ज्यादा पसंद है? कौन? अरे बोली क्या, उसने जहीर के साथ शादी की है, वो स्पोर्ट्स की फिल्म में आई थी हॉकी वाली, शाहरुख के साथ। हाँ, वो माय फेवरेट एक्ट्रेस सागरिका। हाँ, मैंने सुना है आज आईपीएल की मैच देखने के लिए वो भी आने वाली है। सच? सच, क्योंकि जहीर खेल रहा है ना उसमें, और आज आईपीएल की फाइनल है। मैंने तो इतना भी सुना है आज मिस इंडिया भी फाइनल देखने आने वाली है। अरे फिर टाइम पास क्यों किया, जल्दी से क्रिकेट का चैनल लगाओ। लो लो। पक्का? हाँ लगाओ जल्दी मैच। डिनर अच्छा था ना? हाँ। मजा आया? इसका मतलब हमने हमारी एनिवर्सरी एंजॉय की। हाँ। लेकिन तुम्हारे भाई ने मुझे विश करने के लिए फोन नहीं किया, भूल गया ना वो? मेरे भाई की गलती निकालते हो? 5 साल पहले मेरे भाई की एनिवर्सरी थी, तुमने फोन किया था? नहीं, वो छोड़ो, पर 4 साल पहले सुरेश ने पार्टी पे बुलाया था, वो तुम्हें याद रहा? क्यों? क्योंकि तुम्हें दारू पीनी थी। वो भी जाने दो, 3 साल पहले मेरे माँ का बर्थडे था, वो तो तुम भूल ही गए थे, पर 2 साल पहले मेरे पापा की 68th बर्थडे पार्टी थी, वो भी तुम भूले थे, वो सब जाने दिया। अभी लास्ट वीक मेरी फ्रेंड गीता, उसकी शादी थी, शादी को जाना था, मैंने पहले ही बताया था, पर तुम ऑफिस गए और तुम भूल गए। ये सब तुम भूले और तुम बोलते हो मेरा भाई भूल गया? अरे मैंने तो इसके भाई की भूलने की एक गलती बताई थी, इसने तो मेरे भूलने की पूरी कुंडली निकाल दी। कुछ समझ में आया? आपकी कोई भी गलती आपकी बीवी जिंदगी भर नहीं भूल सकती, ध्यान में रखिए। तो कैसे लगे हमारे शादी के साइड इफेक्ट्स? हम और भी एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, पर उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए